हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश और आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका पूछे गए सवाल का रिप्लाई मैं कर रहा हूँ इसी वीडियो के द्वारा, आईसीआर के रिलेटेड जो कि कट ऑफ काउंसिलिंग, मार्क्स, कोर्सेज, ये सब का। और आज हम बेसिकली मार्क्स और कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जो आपने सवाल पूछे हैं, मेरा इतना मार्क्स है, मेरा कौन से कोर्स पर एडमिशन होगा, इससे रिलेटेड मैं आपका सवाल का यहाँ पर रिप्लाई करूँगा। लेकिन दोस्तों, रिप्लाई करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो का आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या करते हैं, आखिर तक नहीं देखते हैं और उनको लगता है कि मैंने उनका रिप्लाई नहीं किया और वो अपना कमेंट फिर से मतलब पूछते हैं कमेंट बॉक्स में। मैंने ऐसा 2-3 लोगों को देखा है जो कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा था, ऐसे मतलब उनका रिप्लाई मैंने कर चुका हूँ वीडियो पे, लेकिन फिर भी वही सेम सवाल उन्होंने मुझे पूछे, तो शायद उन लोगों ने वीडियो पूरा नहीं देखे। तो इसलिए मैं दोस्तों आप सबको बोलता हूँ, पूरा वीडियो देखेगा, आपको कहीं ना कहीं पे आपका कमेंट का आंसर जरूर मिलेगा। अगर मैंने मान लेते हैं आपका कमेंट का रिप्लाई यहाँ पर नहीं कर पाता हूँ वीडियो पे, आपको जरूर मैंने कमेंट बॉक्स से रिप्लाई किया होगा, ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। टाइम थोड़ा लग सकता है, लेकिन आपको जरूर आपका रिप्लाई मैं किया होगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं पहला कमेंट लेता हूँ। तो दोस्तों, पहला कमेंट जो लिखे है विकास कुमार लिखे है कि 284 मार्क्स है OBC कैटेगरी PCM स्ट्रीम में। सवाल है उनके, कोई एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर कॉलेज मिलेगा क्या? तो विकास जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर मिलना इस स्कोर पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, और लेकिन हॉर्टिकल्चर आपको मिल जाएगा, तो हॉर्टिकल्चर मिलने का चांसेस मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगला कमेंट की। अगला कमेंट लिखे हैं कि मनोज कुमार ने, आई थिंक मैं नाम उन गलत पढ़ रहा हूँ, मनोज, चलो ठीक है, मनोज कुमार लिखे हैं कि आई गॉट 306 मार्क्स इन ICR UG PCB कैटेगरी, और मतलब PCB स्ट्रीम और OBC कैटेगरी, व्हिच कॉलेज प्रोवाइड मी। तो मनोज कुमार, आपने कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ये तो आपने नहीं लिखा, लेकिन आपने लिखे जो व्हिच कॉलेज प्रोवाइड मी, मैं आपको स्ट्रीम से बोल लेता हूँ, एग्रीकल्चर मिलना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन बाकी के जो भी स्ट्रीम है, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये आपको मिलने का चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। अगला सवाल भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह है, चित्तरमल कुमार ने लिखे हैं आज इट इज सेम सवाल, मनोज जो सवाल लिखे हैं उनका भी वही सेम सवाल है, उन्होंने लिखे है कि आई हैव 306 मार्क्स इन ICR UG OBC कैटेगरी, व्हिच कॉलेज प्रोवाइड मी। वही मेरा भी सेम आंसर रहेगा, एग्रीकल्चर मिलना मुश्किल होगा, लेकिन एग्रीकल्चर को छोड़ के हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, ये मिलने का चांसेस ज़्यादा है कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगला कमेंट की। अगला कमेंट लिखे हैं कि स्वाति भारती जी लिखे हैं कि 127 नंबर है OBC कैटेगरी, कोई कॉलेज मिल सकता है क्या? 127 स्वाति जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, एग्रीकल्चर तो सवाल ही नहीं उठता है, बाकी हॉर्टिकल्चर भी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो फॉरेस्ट्री थोड़ा सा मिल सकता है, मतलब बहुत ही कम चांस है, तो देखो क्या होता है। अब अगला कमेंट पे चलते हैं, अगला कमेंट लिखे हैं कि सिंधु एस कुमार ने लिखे हैं कि माई स्कोर इज 304 मार्क्स है बाई 600, जनरल कैटेगरी है उनके, विल आई गेट एडमिशन फॉर हॉर्टिकल्चर इन एनी गवर्नमेंट कॉलेज? हाँ, आपको हॉर्टिकल्चर मिल सकता है, क्योंकि आपका 50% से ज़्यादा है मेरे ख्याल से, लगभग जितने भी हॉर्टिकल्चर पर एडमिशन किए हैं, मतलब लास्ट ईयर से मैं बात करता हूँ, जो मुझे आइडिया है, हो जाता है, फर्स्ट राउंड पे मान लेते नहीं होता, सेकंड थर्ड राउंड पे आपका हो ही जाता है, क्योंकि 2 साल पहले भी एक लड़का आया था, 2 साल नहीं सॉरी मैं 4 साल पहले के 4 साल नहीं अभी लास्ट ईयर 4 साल पहले वो एग्रीकल्चर वाला, तो लास्ट ईयर पे एक लड़का था, उसका भी ऐसा ही कुछ मास था, उसका हॉर्टिकल्चर पे हो गया था। तो ठीक है, आपका भी मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर नहीं होगा, लेकिन आपको हॉर्टिकल्चर में सवाल पूछे ना, हाँ, तो हॉर्टिकल्चर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगला कमेंट की। अगला कमेंट लिखने वाला है देव मलिक ने लिखे कि 267 मार्क्स है PCB स्ट्रीम में SC कैटेगरी, कैन आई गेट एनी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सीट? देखिए, 267 है OBC मतलब सॉरी हाँ SC कैटेगरी पर आपका चांसेस बनता है, लेकिन उतना नहीं है, बाकी के स्ट्रीम तो आपका हो सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपका चांसेस है, ठीक है, लेकिन उतना नहीं है, आई थिंक आपका आंसर मिल गया होगा। अब अगला कमेंट लिखने वाले हैं कि अर्पिता सिंह ने कोई सवाल नहीं पूछे, सिर्फ एक लाइन लिख के छोड़ दिए हैं, उन्होंने लिखे कि 310 इन जनरल कैटेगरी फ्रॉम ओडिशा। आपका क्या सवाल है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको स्ट्रीम के हिसाब से बोल लेता हूँ, एग्रीकल्चर मिलना मुश्किल होगा, बाकी हॉर्टिकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, ये कोर्सेस आपको मिलने का चांसेस है। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं अगला कमेंट की। अगला कमेंट लिखने वाले हैं देवेंद्र कुमार जी, उन्होंने लिखे हैं कि SC कैटेगरी है, 262 मार्क्स है एग्रीकल्चर, कोई गवर्नमेंट सीट मिल सकता है क्या? तो देखिए, अभी जैसे मैं देव मलिक जी कमेंट का रिप्लाई किया, 267 उनका मार्क था और आपका 262 मार्क्स है, तो ठीक है, आपका वही हाल है, एग्रीकल्चर मिलने का चांसेस है, लेकिन उतना नहीं है, बाकी के स्ट्रीम आपको मिल सकता है। ठीक है, अब चलते हैं कि अगला कमेंट की। विभा शर्मा जी ने लिखे हैं कि 432 मार्क्स है, अच्छा मार्क्स है आपका, 432 मार्क्स इन ICR UG, कैन आई गेट एडमिशन इन IARI दिल्ली। हाँ, आपका दिल्ली के लिए चांस बनता है, क्योंकि जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, थोड़ा एक मिस्टेक कर रहा था, 2 साल पहले एक लड़की का एडमिशन हुआ था IRA दिल्ली पे, उसका भी मार्क्स लगभग ऐसा ही कुछ था,
और उस टाइम पे तो 720 से मार्क्स आता था, अभी तो 600 मार्क्स हो गया। मुझे एग्जैक्टली उसका मार्क्स याद नहीं आ रहा, उसका हुआ था यार दिल्ली पे, लेकिन लेकिन वो थोड़ा सा देर में हुआ था। आपका भी शायद वही होगा, कट ऑफ थोड़ा सा अगर घट जाएगा तो आपको फर्स्ट राउंड में मिल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको होने का चांसेस है, होने का चांसेस आपको है मेरे ख्याल से। अब चलते हैं दोस्तों अगला कमेंट की। अगला कमेंट लिखे हैं कि पनीर सेल्वम ने, पनीर सेल्वम का कहना है कि 133 मार्क्स है, कैन आई गेट तमिलनाडु कोयम्बेटर कॉलेज इन तमिलनाडु। तो ये मुश्किल है 133, जैसे मैंने अभी स्वाति जी का कमेंट बोल रहा था कुछ देर पहले कि उनका 127 मार्क्स है, तो आपका भी वही मुश्किल होगा, क्योंकि 133 यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा पीछे हो, तो कॉलेज मिलना मेरे ख्याल से मुश्किल होगा। तो ठीक है, सो फ्रेंड्स मैंने लगभग सबका रिप्लाई कर चुका हूँ, और जिसका मैंने यहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पाया मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, और उनको मैं रिप्लाई कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, कोई घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करेगा। अभी भी कोई अगर आपका सवाल है तो आप प्लीज़ पूछेगा, मैं उसका भी रिप्लाई करूंगा, चाहे जैसे भी हो, वीडियो से हो मतलब वीडियो के द्वारा हो या कमेंट में हो, जैसे भी हो मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा नई वीडियो पर एक नई जानकारी से, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक एंड बाय।